श्रीलंका में बुरके पर पाबंदी के फैसले के बाद अब कई मदारिस को भी बंद करने का लिया गया शोरंगेज फैसला। श्रीलंका के वजीर ने बुरके को बताया था इंतहा पसंदी की अलामत। अफगानिस्तान में 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के कौमी तराना गाने पर लगाई गई पाबंदी। अफगान एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा लड़कियों को अवामी इस्तेमाल से हिस्सा लेने से रोकना था मकसद, अब हो रही है शदीद तनकीद। सऊदी अरब में बरसों पुराना कफाला सिस्टम आज से हो गया खत्म। नए कानून के बाद अब गैर मुल्कियों को मौजूदा कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जॉब करने में होगी आसानी। वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिए जाने का जारी किया गया फतवा, सर पर भी रखा गया 11 लाख रुपए का इनाम। मुखालिफत पर रिजवी की हठधर्मी, उलमा से कहा हंगामा ना करे, आयतों को हटाने की पिटीशन पर दे जवाब। ममता बनर्जी ने व्हीलचेयर पर ही शुरू की इलेक्शन कैंपेनिंग, किया 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो। स्पीच में कहा निडर होकर लड़ेंगे, डरपूक लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। आसाम में NRC से लाखों लोगों को बेघर करने के बाद फिर आसाम में इख्तदार का ख्वाब देख रही है BJP। आसाम पहुंचे अमित शाह ने तकरीर में की गलती, कहा मनमोहन सिंह रहे 15 साल PM।